हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत टाइम के बाद मेरा रूटीन व्लॉग बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मॉर्निंग का जैसे योगा और एक्सरसाइज कर रही थी, पहले मैंने वर्कआउट किया और उसके बाद थोड़े से प्राणायाम किए। और देखिए अचानक मौसम कैसा हो गया, मतलब मज़ा ही आ गया। अभी अभी हुआ है एकदम, मतलब बारिश आने वाली है। कितने तेज़ बादल हो रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा बाहर से दिखाती हूँ आपको। वाओ, देखो बादल आ रहे हैं बहुत हैवी हैवी, तो बहुत अच्छा लगेगा आज। और देखिए, मैं गांव गई थी तो पीछे से मेरे प्लांट्स की हालत देखिए, बहुत दुख हुआ मुझे। देखो सारे प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए, लेकिन अब फिर से आने शुरू हो गए। ये सारे नए आए फिर से, देखिए ये नींबू आने लग गए हैं। मैं फिर से इनकी बहुत केयर कर रही हूँ। ये देखिए नए आने लग गए, बहुत ख़राब सारे। तो देखिए फिर से आने लग गए। और ये बनाना ट्री मेरा पूरा ख़त्म हो गया था, तो ये अभी फिर से नई लीव्स आई है, कड़ी पत्ता। आज है थर्सडे और आज है 20th, आई थिंक सो आज 20th है। और मेरा आज फास्ट होता है, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, पूजा करूँगी, नहाने जाती हूँ अभी। और आदवी के वैसे समर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, बट उसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। मतलब उनके स्कूल लग जाने थे, जल्दी ही खुल जाने थे उनके स्कूल, तो गर्मी की वजह से स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो चलिए अब मैं नहाती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। कितना देखिए डार्क हो गया एकदम, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाह, इनको, हाँ पंछियों को भी मैं दाना डालती हूँ। आज मैंने इनको खा वो नहीं डाली है, चुगनी डाली है, तो बेचारे यहाँ बैठ के ना इंतज़ार करते हैं। हम तो इनकी दिख रहा है, जैसे मैं जाऊँगी ना दाना डालने तो आ जाएंगे। कितना सुंदर लग रहा है यार, तरस गए थे इस चीज़ के लिए, इस बारिश के लिए तरस गए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये जो आगे का व्लॉग है, ये मैंने किसी और दिन शूट किया था, मीन्स ये 28 जून को किया था। यहाँ पे आदवी का टिफिन बन रहा है, तो आगे मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों किया। बहुत खुश ना, इट्स रेनिंग आउटसाइड पोलर, इट्स रेनिंग, पोलर को बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बारिश हो रही है। ये मम्मा हम फिर से गाँव पहुँच गए, गाँव के जैसा लग रहा है पोलर को। तो फाइनली आज बारिश हो गई इतने टाइम के बाद। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में जैसे ही उठे ना, तो बारिश ऑलरेडी हो रही थी रात से, तो बहुत ही मतलब बहुत ही प्लेजेंट लग रहा था, बहुत काम लग रहा था। तो आज फिर से मैंने फिर कैमरा उठा लिया और जो मेरा पेंडिंग व्लॉग था वो आज मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। उस दिन मूड ऑफ हो गया था, तो आगे मन ही नहीं किया व्लॉग बनाने का। तो आज 1 वीक के बाद बारिश हुई, तो मैंने आज फिर से कैमरा उठा लिया। और हाँ, अभी मैंने थोड़ा व्लॉग बनाना कम कर दिया, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने लिए टाइम ज़्यादा दूँ, अपनी हेल्थ पे, लाइक वर्कआउट वगैरह, योगा वगैरह, या फिर अपनी कोई चीज़ें जो मैं छोड़ चुकी थी पहले। जब हम कुछ एक टाइम होता है जब आप बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाती है। बट अब जब थोड़ा बच्चे बड़े हो गए, तो ऐसे लगता है अपने लिए कुछ करना है। तो जो चीज़ें मतलब छूट गई थी, वो फिर से अपने लिए थोड़ा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसलिए वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कम कर दिया है पहले से मैंने, तो मैं अपने लिए अब ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। मैंने अभी अभी एक्सरसाइज की है, और पहले मैंने वर्कआउट किया और उसके बाद प्राणायाम किए। और देखिए ये मेरा पोस्ट वर्कआउट लुक है, कितना चेहरे पे ग्लो आ जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ता है एक्सरसाइज करने से, तो उससे ना ग्लो आता है चेहरे पे। और देखिए बाहर मौसम बहुत ही आज सुहावना हो रखा है, बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है। और आज मुझे लगता है अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे बारिश शुरू हो गई थी। और ये जो मेरी वीडियो है, इसमें मैंने पहले की भी वीडियो मतलब लगाई है। एक दिन भी मैंने व्लॉग बनाया था, उस दिन भी बारिश आने वाली थी, लेकिन बारिश हुई नहीं और फिर आगे मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। तो आज बारिश हो गई, तो मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा सा मैं कैप्चर कर लेती हूँ।
और अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे मैं ना दरवाज़ा खोल देती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, तो यहाँ से फ्रेश एयर आती है। और प्लांट्स देखिए, प्लांट्स की हालत मेरी चले गई थी ना गांव, तो बहुत सारे प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए हैं। अभी फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ ये ठीक हो जाए, फिर से रीग्रो हो जाए। तो चलिए अब मैं नहा लेती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर आप मुझसे मिलते हो। यहाँ पे मैंने अपने लिए लेमन वाटर बनाया है, तो वो मैं पी लूँगी अभी बैठ के, आराम से थोड़ी देर बैठूँगी। थोड़ा रेस्ट किया मैंने 5-10 मिनट्स का, उसके बाद मैंने अपने लिए लेमन वाटर बनाया और अब मैं नहा के आ गई थी, तो आपके लिए थोड़ा सा अपना लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए और अच्छा लगता है मुझे। मतलब मेरा एक ये रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में अपने सारे काम करके नहा धो के पूजा करती हूँ ना, तो मुझे अपना जो दिन है ना वो कंप्लीट लगता है अगर मैं ये अपने सारे काम कर लेती हूँ। आप भी देखिए भगवान के दर्शन कर लीजिए, मतलब जब मैं अपना वर्कआउट भी कर लेती हूँ, पूजा भी कर लेती हूँ, तो एक फ्रूटफुल डे लगता है। मतलब मुझे अच्छी वाइब्स आती है, बहुत एनर्जेटिक फील होता है जब मेरे सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा वो कराया, मतलब दो बनाया है, इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। तो अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट पे मैंने देखिए ये कल डिनर पे परवल बनाए थे और मेरा था फास्ट, सिर्फ अद्विक ने खाए हैं तो काफ़ी सारे बच गए हैं। तो ये मैं ये ले रही हूँ और थोड़ी दही ले रही हूँ। विनोद आउट ऑफ स्टेशन गए हैं और एडी भी यहाँ पे नहीं है, वो भी अपने हॉस्टल में है। तो अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और हाँ, बारिश अब बंद हो चुकी है, देखिए मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई यहाँ पे। हाँ, कंटिन्यूस 3-4 आवर्स के लिए थी ड्रिजलिंग टाइप, लेकिन बहुत हैवी रेन नहीं थी। अभी तो बंद है बिल्कुल। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और अभी आएगी सपना सफाई वगैरह करने के लिए। तो चलिए, हाँ थक जाते हैं वर्कआउट करके, और सारे घर के काम, बहुत सारे काम किए मैंने, सारे वॉश बेसिन वगैरह साफ किए और तब जाके मैं नहाने गई। और हाँ, मिरर वगैरह साफ किए, जितने भी अलमीराज के और वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगे हैं वो सारे मैंने क्लीन किए, डाइनिंग टेबल क्लीन किया, फिर उसके बाद मैं नहाई। अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो कर लेती हूँ। तो गाइस, घर के कामों के साथ साथ अपना सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि मुझे ना हील क्रैक्स हो गए हैं। तो जैसे कि कोई भी नॉर्मल क्रीम या फिर बॉडी लोशन यूज़ कर रही थी तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने फिर एक अपने आप ही मतलब DIY किया, एक क्रीम बनाई कहीं से सर्च करके। वो इतनी इफ़ेक्टिव है कि मुझे 2-3 मतलब विदिन 2-3 डेज़ में मुझे रिज़ल्ट आ गया और काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अभी मेरे पैर बहुत ज़्यादा पहले से ठीक होने लग गया है। और अब मैं थोड़ी देर अपने लिए ये बुक रीड करूँगी। मैंने पहले भी बताया था कि मैं कोई स्टोरी बुक स्टार्ट की है, तो देखिए यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। तो ये ऑलमोस्ट मेरी हाफ हो चुकी है, तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोचती हूँ ये सब जैसे बुक रीडिंग के लिए या अपना फिटनेस के लिए, इन चीज़ों में ज़्यादा देना चाहती हूँ। इसलिए फिर मैं व्लॉग्स बनाने में भी थोड़ा सा वो हो जा रही हूँ, मतलब नहीं बन पा रहे हैं मुझसे। तो ये यहाँ पे अब लंच बन रहा है। लंच में मैंने ये पोलर के लिए चिकन राइस बनाए हैं और अद्विक के लिए ये लिशेस से चिकन ऑर्डर किया था, जो कि इंस्टेंट मतलब कुक हो जाता है और उसे वो टेस्टी भी लगता है। वैसे वो दूसरा वाला चिकन पसंद नहीं करता, तो ये इस तरह का अगर मंगवाते हैं तो ये खुश खा लेता है, मतलब खुश हो के। तो उसके लिए ये बना है और मेरे लिए कढ़ी भी पड़ी थी और शायद एक और सब्जी थी। तो मेरा उस तरह से लंच हो गया था। और फिर आगे क्या देख रहा है बेबी, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग टाइम हो रहा है और अब मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ चाय। और यहाँ पे अद्विक की हो रही है ऑनलाइन क्लास, मतलब उसकी जो ट्यूशन है वो ऑनलाइन ले रखी है, तो उसकी क्लास चल रही है। और यहाँ मेरी चाय उबल रही है और ये अद्विक के लिए निकाला है मैंगो। पता है मेरे बच्चे ये दशहरी आम नहीं खाते हैं, तो देख रहे हो दशहरी आम का मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ और इसके लिए अद्विक के लिए मैंगो शेक बनाऊँगी।
चलिए ये सब बना लेती हूँ मैं। और ये मैंने ना ये चश्मा लगा रखा है, देखो मेरे को अब मेरी आई साइट वीक हो गई है, तो जब भी कोई नज़दीक की चीज़ मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ या बुक वगैरह रीड कर रही हूँ ना, तो मुझे चश्मा लगाना ही पड़ रहा है, तो इसलिए वो मुझे फिर ऊपर मैं ढूंढ एक्चुअली मैं कहीं रख देती तो मुझे याद नहीं रहता कहाँ रखा, तो मेरे सिर पे ही लगा रहता है वहाँ से ईजी रहता है जैसे कि कुछ भी रीड करना हो तो। इवन मैं फ़ोन भी चेक कर रही हूँ ना, कुछ टाइम से हो रहा है मेरे को, 2-3 महीने से ऐसे हो रहा है, फ़ोन पे भी कुछ देख रही हूँ ना तो वो थोड़ा ब्लर आ रहा है, वही मतलब नज़दीक वाली नज़र जो है ना मेरी, नज़दीक की जो आई साइट है वो वीक हो गई है, तो फिर मुझे चश्मा लगा के रखना पड़ रहा है चलो ये फैक्टर है। चलिए फिर मैं ये बना लूँ जल्दी से। ये हो गया मेरे को शेप रेडी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, आदविक को हेयर कट लेने हैं, बहुत दिनों से बोल रहा है, तो आज मैं सोच रही हूँ आज रुक नहीं रहा, वो कह रहा है मुझे जाना है। तो मेरे को भी देखो थ्रेडिंग हो गए हैं करवाने को, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी अपनी थ्रेडिंग करवा के आ जाती हूँ और आदविक के भी हेयर कट। चलो लेट्स गो। कब और पोलर बेचारा सैड हो गया है, देखो अभी आएंगे हम बहुत। दिखा पोलर, दिखा सैड हो गया मेरा पोलर, उसे समझ आ जाता है, तो चलो जल्दी से जाके आते हैं फटाफट। तो पता है आदविक ने बिल्कुल मना किया है मुझे कि मेरी वीडियो मत बनाना, तो इसलिए अब मैं बस रास्ते में थोड़ी वीडियो बना लूँगी। और देखो आज इतनी बारिश हुई है, पानी भर गया है रोड पे, पता नहीं यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, बहुत ज़्यादा पानी भरा है हमारी जुड़ी में। देखो यहाँ पर बहुत सारा पानी था लेकिन हम यहाँ साइड से निकल गए, पहुंच गए हम अपनी मार्केट। बैक हम लोग शॉर्टकट से आए हैं ना बैक साइड से। तो फ्रेंड्स हमने मतलब आदविक ने हेयर कट करवा लिए थे यहाँ से और मैंने थ्रेडिंग भी करवा ली थी, और फिर घर वापस जाते टाइम मार्केट में मुझे एक डॉग ऐसा दिखा, मोस्टली मैं जब भी स्ट्रीट डॉग देखती हूँ ना तो मुझे हर वक्त ऐसे लगता है कि वो भूखे हैं, मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया, तो मैंने कैसे करके मार्केट से दूध और ब्रेड कैसे करके उसके लिए बर्तन अरेंज करके और उसको वो खिलाया, उसके बाद हम लोग लेट हो चुके थे तो फिर आगे भी कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक के लिए, बाय बाय।